एक्चुअली आज मैंने फिल्म नहीं देखी, मेरी दिल्ली से फ़्लाइट मिस हुई थी. मैंने आज फिल्म नहीं देखी, एक्चुअली मेरी दिल्ली से फ़्लाइट मिस हुई थी तो मैं अभी अभी पहुंची हूँ. बट मेरे लिए जो एक सबसे यादगार पल है वो है कि रश्मि ठाकरे जी की जो मदर है, जो एक्चुअली मीना ताई जी की समधन रही है, उनके आँखों में मैंने वो जो नमी देखी और जो इमोशन देखे वो मुझे बहुत दिल को छू गया. क्योंकि वाकई मेरे पास माँ साहब का कोई रेफरेंस नहीं था और उन्होंने इतनी बारीकी से मुझे सीन के बॉडी लैंग्वेज वगैरह करके दिखाए, मतलब दैट वाज एन अमेजिंग थिंग फॉर मी एज एन एक्टर. इनकी फ्लाइट मिस हो गई थी, मेरी नहीं हुई. मेरी भी हो जाती लेकिन मैं पहले जाके पकड़ ली उसको. ये तो जेम्स बॉन्ड है. कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा लगा फिल्म में. हमने कोशिश की है और बहुत मेहनत की थी कि बाड़ा साहब को मिमिक ना किया जाए, ना उनको और कैरिकेचर ना किया जाए. आप धीरे धीरे देखेंगे फिल्म में कैसे कैरेक्टर, कैसे फिल्म डेवलप होती है. जी, तो बहुत स्पेशली आदित्य साहब से बात हुई मेरी, तो उनको बहुत अच्छा लगा. बहुत सारे मोमेंट उन्होंने ऐसे बताए जो उनको वो पर्सनल जानते थे. वो पूछ रहे थे आपने उसको किस तरह पकड़ा, तो डेफिनेटली राव साहब का उसमें बहुत बहुत बड़ा हाथ है. क्योंकि काफ़ी स्टडी की, काफ़ी वीडियोस देखे उनके, तो थैंक गॉड अभी वो साकार हो पा रहा है. वो कोशिश है एक, तो बस यही खुशी है हमें इस बात की. उदय जी खुश हैं, वो बहुत खुश हैं और उनको उनसे उनकी आंखों से पता चला कि बहुत खुशी थी उनको. एक्चुअली मैं ज़्यादा अभी मिला नहीं क्योंकि मैं अभी जस्ट अभी कंप्लीट करके आ रहा हूँ. हमारी आई थिंक लेट वाली स्क्रीनिंग थी, तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई जो उन बाला साहब को जानते थे, रहे हैं बाला साहब के साथ. तो उनका अलग इमोशन जुड़ा हुआ है और वो उनकी आँखों से पता चलता है, बातों से पता चल रहा था कि उनको लग रहा था कि भाई हाँ बिल्कुल हूबहू आपने. तो खुशी होती है कि जो लोग उनको जानते हैं, बाला साहब से इमोशनली जुड़े हुए थे उस वक्त पे, वो जब देख रहे थे पर्दे पे, तो उनकी खुशी से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. ठाकरे जो फिल्म है और माँ साहेब मीना ताई ठाकरे जी का जो किरदार है, इसे मैंने नहीं चुना, इन्होंने मुझे चुन लिया. मेरा ये मानना है कि किस्मत से, मुझे तो पता भी नहीं थी कि ये फिल्म मतलब बन रही है, प्लानिंग में है, और अपने आप मुझे कॉल आया संजय राउत जी के ऑफिस से, रोहन मापुस्कर और अभिजीत पांडे सर आए मुझे मिलने, और उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया ना बोलने का. उन्होंने बोला आप ही हैं हमारी माँ साहेब. तो ये मेरे लिए जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, एंड ये सिर्फ एक रोल नहीं है मेरे लिए, ये उसके बहुत बहुत परे है. ऑफकोर्स नवाज़ भाई ने बहुत बहुत मेहनत की है, अमृता ने भी बहुत मेहनत की है. जो कहानियाँ सुनकर हम बड़े हुए हैं पापा से, बाला साहब की, वो अब बड़े पर्दे पे देखते हुए थोड़ा इमोशनल ऑफकोर्स फील हुआ. एंड आई होप लोगों को भी ये पसंद आए और उनको भी वही वो फीलिंग आए. एक सो बेसिकली वन ऑफ द मोटिव ऑफ द फिल्म वॉज फॉर माई फादर टू शो द न्यू जनरेशन हाउ बाला साहेब वॉज, एंड आई थिंक आई कुड सी बाला साहेब इन हिम. सो आई थिंक नाही उद्धवाकरण कडनं मलाच कॉम्प्लिमेंट्स मिळत होते, कारण त्याला माहिती होतं की मी करते हे सगळं बाबांनाही. पण नाही शेवटी काय माझ्यासाठी पण हा पहिलाच प्रोजेक्ट आहे, खूप काही शिकायला मिळालं. वायकॉमची टीम किंवा कार्निवलची टीम सगळे खूप सपोर्टिव्ह होते, नवीन गोष्टी शिकायला मिळाल्या त्यामुळे चांगलं वाटलं.
जेव्हा आम्ही नवाज भाईंना जेव्हा बघायचो, जेव्हा मी शूटला जायची आणि तेव्हा बघायचो, तेव्हा नवाज भाईंनी इतकं त्यांचे आतमध्ये आत्मसात केलं होतं ना बाळासाहेबांना, की त्यांच्यामध्ये मला नवाज भाई नाही ॲक्च्युली बाळासाहेबच दिसायचं आहे आणि त्याचा लोकांना पण टेस्ट दिसणार आहे. ऑफकोर्स कोशिश की है, बहुत कोशिश की है. इवन इसमें सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं, सब पूरी टीम का हाथ है. और वो शी वगैरह हम लोग सब ने राज साहब ने इतनी सारी डिटेल दी उस कैरेक्टर के बारे में, उसको डेवलप करने के बारे में के लिए बहुत कुछ. सब लोगों की टीम से ही ये सारा कुछ बनता है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि थैंक गॉड पूरी टीम ने पेशेंस के साथ काम किया और उसका फल आज सामने देख रहे हैं. मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं रेट्रो ज़माने की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और इस फिल्म में आपने पहली बार मुझे ब्लैक एंड वाइट में देखा है. ये मेरे लिए एक सपना सा ही है और ब्लैक एंड वाइट पे मैं जिसकी दीवानी हूँ वो मधुबाला जी है. तो मधुबाला जी पे अगर कोई बायोपिक बनेगी तो मुझे लगता है कि मैं कर पाती हूँ. मधुबाला बिल्कुल फिट बैठेंगे, थोड़ा सा वेट पुट ऑन करना पड़ेगा अदरवाइज बिल्कुल फिट नहीं हूँ. मैं किशोर कुमार का मैं आपको किशोर अगला शूट कर देते हैं अपन बाइकों से डील कर लेते हैं ठीक है. जी जी जिनके साथ आप सहज हो. नहीं नहीं हमें ये डायरेक्टर पसंद है. उसकी अपेक्षा तो उर्वशी जी बताएंगी कि क्योंकि ये प्रोड्यूसर हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से जानती हैं. तो ये आप 25th को पब्लिक से ही पूछ लेना. मन में वो सबके जो विचार है वही हमारे मन में भी है विचार कि सब लोग देखें फिल्म को और इन्जॉय करें. और जो कोशिश की है हमने तो वो देखने लायक है. आप देखें, आप ही डिसाइड करेंगे. आपने 48 घंटे आपके सुख पूर्वक और शांति पूर्वक थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. नमस्ते. शी वांट्स टू से समथिंग. नो नो नो. प्लीज आज हिंदी पण बोला. आम्ही मराठी. आणि मराठी बोला ना जरा. सर हो मराठी पहिले बोलूया आपण. बोला. साहेब या पहिलं काम ठाकरे मी नुसतं पाहिलेलं नाही तर मी चांगल्या पद्धतीने अनुभवलेलं आहे. आणि मला खरंच एक समाधान आहे की मगाशी मी बोलताना बोललो की अशा व्यक्तिमत्वावरती चित्रपट काढणं म्हणजे एका मोठं आबाळ, म्हणजे आबाळे आबाळच असतं, त्याला मोठा आणि छोटा शब्द नसतो. आबाळाला एका कॅनव्हसवरती आणण्याचं एक आव्हान असतं आणि हे आव्हान संजयनी अतिशय उत्तमरित्या लिहिलेल्या पेललेलं आहे. शिवसेना प्रमुखांचं आयुष्य आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. अनेकदा असं असतं की इतिहासावरती चित्रपट काढले जातात. हा चित्रपट आहे त्याच्यामधला जो सगळा काळ आहे तो इतिहास खूप वर्षांपूर्वीचा नाही आहे, तो इतिहास आपण स्वतः अनुभवलेला आहे. आणि मला असं वाटतं आपण सगळेजण आहोत ह्या सर्वांनीच जेव्हा हा चित्रपट प्रत्यक्षात घडत होता त्यावेळेला कळत नकळत त्याच्यात कोणती ना कोणती तरी भूमिका केलेली आहे. आणि हा आपला सगळ्यांचा सर्वसामान्यांचा चित्रपट जीवनपट, हा ठाकरे म्हणजे केवळ बाळासाहेबांचा जीवनपट नाही आहे, हा सर्वसामान्यांचा जीवनपट आहे. आणि तो अत्यंत चांगल्या पद्धतीने संजयने पडद्यावरती आणलेला आहे. म्हणून संजय तुम्हाला मनपूर्वक धन्यवाद देतो. शिवसेना प्रमुख म्हणजे धाडस, हिम्मत, त्यांच्यावरती चित्रपट काढणं हे सुद्धा धाडस आणि हिमतीचं काम आहे. ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने तुम्ही पार पाडले. हो छान केलेली, अप्रतिम भूमिका केलेली. आणि एकूण या चित्रपटातून मी जे सांगितलं ना की त्यातनं शिवसेना प्रमुख म्हणजे नेमके काय, त्यांनी आपल्याला काय दिलं हे समजून घेण्याचं आपण त्याच्यात तो प्रयत्न केला पाहिजे. आणि मला वाटतं तो अतिशय चांगल्या पद्धतीने याच्यात आणले. हिंदी में आदित्य जी बात करेल. नाही एक मिनिट आदित्य. नक्कीच मला वाटतं सिनेमा आणि सिनेमातली गाणी, खास करून मी संजय काकाला सांगत होतो की गाणी देखील याच्यातली खूप चांगली आहेत.
सिनेमा स्टोरीलाइन तर सगळ्यांना माहितीच आहे, पण ते सिनेमामध्ये उतरवणं, जसं उद्धव साहेबांनी सांगितलं की एक जे मोठं वाईड अँगल असतं ते त्या कॅनव्हसमध्ये कसं घेणार, हे खूप महत्त्वाची गोष्ट असते. आणि नवाजजी असतील, अमृताजी असतील, दोघांनी खूप चांगलं ते रोल प्ले केलेलं आहे त्यांनी त्याच्यात. अर्थात काही काही ठिकाणी एवढं खरंच चांगली ॲक्टिंग झालेली आहे, असं वाटतं की अरे आपल्याला गुजबम्स येतात की काय, एवढं चांगलं हे त्यांनी ॲक्टिंग केलेली आहे. खरोखर मी अभिनंदन करतो. आणि हा जो एक प्रयत्न आहे की मोठ्या साहेबांचं एक जे पूर्ण जीवन होतं ह्या काही काळात आणण्याचं, ते मला वाटतं खूप चांगलं झालं. काफी बार, क्योंकि उन्होंने जो सिर्फ लुक नहीं लेकिन उनका जो बिहेवियर है, या जैसे उनके वॉइस मॉड्यूलेशन है, हाथों का जो मूवमेंट होता है, कोर्ट में अगर देखो आप या पूरे जो भाषण में है, काफ़ी सिमिलर लगता है. और मुझे लगता है कि उन्होंने एक्टिंग ये जो की है बहुत ही ज़बरदस्त की एक्टिंग की है. तो जी, आप दो शब्द आपसे जानना चाहूँगा, फिल्म देखी है आपने, क्या फीलिंग? मैं तो यही कहूँगा कि फिल्म देखना अपने आप एक अनुभव है, और ये जो अनुभव है वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता. मेरी सब लोगों को यही मैं विनती करूँगा कि सारे लोगों ने अवश्य ये पिक्चर देखनी चाहिए. गुड, चलो. सर 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 रोहित सर थोड़ा सा, कुछ लोग लेट हो गए थे इसलिए. सर सेंटर में, सर सेंटर में, स्ट्रेट सामने सर, स्ट्रेट सामने. क्या फील होगा? एक्साइटमेंट तो होनी चाहिए. मुझे दो साल से उस पर मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये मेरा बहुत बड़ा एक ड्रीम था कि बाला साहब की रोचक और रोमांचक कथा कैसे बने बाला साहब ठाकरे. वो पर्दे पर आए, बड़े पर्दे पर आए, सभी देश के सभी देशवासियों के सामने उनकी वो कहानी जानी चाहिए. जिसे मैं हमेशा कहता हूँ कि देश में प्रधानमंत्री बनना बहुत आसान है, राष्ट्रपति भी बन सकते हो आप, लेकिन बाला साहेब ठाकरे बनना इतना आसान नहीं है. तो बाला साहेब ठाकरे कैसे बने, एक सामान्य परिवार से, एक सामान्य युवा, एक कार्टूनिस्ट, देश के लोकप्रिय सामान्य नेता कैसे बने, वो आप पर्दे पर देख सकते हो. बहुत लोग आएंगे, आज लिमिटेड लोगों को बुलाया है. ठाकरे परिवार है पूरा, उद्धव ठाकरे जी है, आदित्य जी है, पूरा परिवार है. सुशील कुमार शिंदे जी आ रहे हैं, उनका अभी अभी जी हाँ, बाला साहब के साथ जब बाला साहब बीमार थे तब जिस उस डॉक्टर्स थे उनके साथ, किसी ने उनका बाईपास किया है, किसी ने और कुछ किया है, वो सब उनकी मेडिकल टीम भी आ रही. राज ठाकरे बाला साहब के जीवन में अहम किरदार है, देखा जाए तो, लेकिन आज अभी तक उन्होंने एक भी प्रमोशन नहीं किया, प्रमोशन एक्टिंग नहीं दिखे, क्योंकि आ जाने की क्या है. मैं उनको पहचानता हूँ पहले से. राज ठाकरे हमेशा उनकी जो पसंदीदा फिल्म होती है वो अपने मित्र और परिवार के साथ थिएटर में जाकर देखते थे. इतना कम कैसे होगा? कैमरा सरकाओ के तो जगह नहीं होगी कम, क्या बात कर रहे जी. अरे भाई बैठ जाओ सर. अमृता मैम यहाँ लगता है.
मिलता मैम यहाँ पे ते पाहतायत, इंटरव्हल नंतर सुद्धा पाहतायत, याचा अर्थ सिनेमा त्यांना खळवून ठेवतो आहे, त्यांना सिनेमा पाहावा असा वाटतो आहे. आणि जेव्हा मध्यंतरानंतर बाहेर आले तेव्हा सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरती जो आनंद मी पाहिला, मला वाटलं की आम्ही जी मेहनत घेतली सगळ्यांनी त्याचं थोडं सार्थक होत आहे. 25 तारखेला संपूर्ण हिंदुस्थानमध्ये आणि परदेशामध्ये या सिनेमाविषयी प्रचंड उत्सुकता आहे. आणि मला खात्री आहे या देशातल्या लोकांनी जसं बाळासाहेबांचं एखाद्या सुपरहिरोसारखं स्वागत केलं सातत्यानं, तसंच ते पडद्यावरच्या बाळासाहेबांचे स्वागत करतील, हे मला आज थोडं मला त्याच्या संदर्भात खात्री पडलेली आहे. सर पण आतमध्ये म्हणजे आज जे व्हर्जन पाहिलं लोकांनी ते हिंदी पाहिलं की मराठी? आता हिंदी पाहत आहे. आतमध्ये सुशील कुमार शिंदे बसलेले आहेत, रोहित शेट्टी बसलेले आहे, सुजित सरकार आहे, बहुत लोक अंदर बैठे, राहुल मित्रा आहे. हॅलो, हाऊ आर यू? ओ, हम तो लखनऊ गए, हम दिल्ली गए, और हर स्टेट मतलब एवरी सिटी एवरीबडी सो एक्साइटेड अबाउट द फिल्म. दे कुछ लोग तो ऑफकोर्स जो बाला साहिब को वर्शिप करते आए हैं, वो उनके सेंटिमेंट्स के वजह से, उनको बाला साहिब ने उनकी ज़िंदगी में जो चेंजेस लेके आए थे उनके वजह से अलग सेंटिमेंट्स हैं, अलग भावनाएं हैं. और जो जो अलग सिटीज़ के लोग हैं उनके दिलों में क्यूरियोसिटी है, दे हैव ऑलवेज बीन एनैमर्ड बाई द पर्सनैलिटी. सो वी आर वेरी एक्साइटेड, मतलब इतना एक्साइटमेंट, एवरीबडी इज़ सो एक्साइटेड टू सी ठाकरे. लेस देन 48 आवर्स टू गो. आपको आपने बहुत सारे शुक्रवार फ्राइडेज देखे, ये फ्राइडे कितना आपके लिए भिन्न रहेगा? ये फ्राइडे जो है ना, ये मामूली फ्राइडे नहीं है, और इससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने ठाकरे इस फिल्म में काम किया है, यही बहुत बड़ी बात है. आम्ही नाही पाहिला, कोण म्हटलं निघून गेलं इथे सगळं हे आत्ता आलेले आहे. सगळे फिल्म संदर्भातले प्रमुख लोक आम्ही सगळे बाहेर होतो आणि प्रत्येकजण येऊन जातो. हा सिनेमा ज्यांनी पाहिलेला नाही, निमंत्रितांसाठी आहे, उद्धव ठाकरेंचे निमंत्रित आहे, ते पाहतायत. वेगवेगळं आमचं काम आहे त्यांच्याशी त्यांचाशी संवाद साधला. ते मगाशी लवकर गेले आणि मला जाताना सांगून गेले की मला कुठल्या कामासाठी जायचं. सर पण आता संसदेत देखील याचा एक खास खेळ होणार आहे आणि सगळेजण 25 तारखेला पाहणार. दिल्लीला स्पेशल एक स्क्रीनिंग करतो आहे और मैं सबको बुलाना चाहता हूँ. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, सबको बुलाएंगे. बालासाहेब ठाकरे क्या थे, बालासाहेब ठाकरे कैसे बने, जैसे मैंने सब जगह पे कहता हूँ कि इस देश में प्रधानमंत्री लोग बन सकते हैं. लक होता है प्रधानमंत्री बनने में भी, मेहनत नहीं करनी पड़ती आजकल. राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन बालासाहेब ठाकरे बनना ये इस देश का ना सबसे कठिन और संघर्ष में काम है. ये बालासाहेब ठाकरे कैसे बने ये फिल्म में देखने को आप मिलेगा. अरे अभी यहाँ प्रियंका जी का क्या काम है, यहाँ तो अमृता जी का काम है. अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ. देश की राजनीति में फर्क आ जाएगा. देखिए कोई नया चेहरा आता है तो जरूर जेव्हा नवीन चेहरा येतो देशाच्या राजकारणामध्ये, खास करून गांधी परिवारामधला, तेव्हा तुम्ही किती टीका करा, आजही या देशावर गांधीचा प्रभाव आहे. मग ते महात्मा गांधी असतील, इंदिरा गांधी असतील, तर त्यांच्या परिवारातलं कोणी असेल, आपण हे स्वीकारलं पाहिजे. त्यांचं आव्हान जर निर्माण झालं तर आम्हाला त्यांच्याशी संघर्ष करावा. बताइए हिंदी में. प्रियंका गांधी
ठीक है, बहुत सालों से अटकलें थी कि प्रियंका जी आएंगी और कांग्रेस का नेतृत्व करेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 2 महीने से देख रहा हूँ कि कांग्रेस के अच्छे दिन आने शुरू हो गए। जब 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस जीत गई, तब से लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी सक्रिय होगी। राहुल गांधी का ये अच्छा निर्णय है एज ए कांग्रेस अध्यक्ष, और इस देश की जनता ने हमेशा गांधी परिवार के साथ एक रिश्ता रखा है, चाहे चुनाव जीते या चुनाव हारे। इस देश में इंदिरा गांधी की विरासत हमेशा रहेगी। उनके आने के बाद क्या देश में बदलाव के योग आपको दिखाई देखिए, वो तो आप चुनाव के बारे में बोले, लेकिन मैं मानता हूँ कि जरूर कांग्रेस को फायदा होगा। एक सर, अमृता यू एंड अनमोल आर अटेंडिंग अ स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम। यस प्लीज आइए आइए, आपके बारे में चल रहा है। जी जी बिल्कुल, मैं पहली बार इनके साथ आ रही हूँ किसी स्क्रीनिंग पे, किसी भी जगह पे। एक्चुअली मैं इतने सालों से जानते हैं, मतलब वी बीन डेटिंग फॉर इयर्स नाउ, बट दिस फिल्म इज स्पेशल एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर टुगेदर ऑन द रेड कार्पेट। देखिए, मेरी जो धर्म पत्नी है वो ऑन स्क्रीन बाला साहेब की धर्म पत्नी का रोल कर रही है, ये हमारे लिए पर्सनली बहुत बड़े सम्मान की बात है। संजय जी का शुक्रिया अदा, पास भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद, और अमृता तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्पेशल रोल टू बी अ पार्ट ऑफ। थैंक यू। नहीं कुछ नहीं, कोई क्लैश नहीं होगा सर। संभाजी ब्रिगेड को विरोध है, नहीं कोई दृश्य ऐसा, कोई ऑब्जेक्शनेबल दृश्य बाला साहब ठाकरे जी के फिल्म में नहीं है, ठाकरे में नहीं है, ये प्रोपोगंडा है। सब लोग आकर फिल्म देखिए और मुझे बताइए। वेल ऑनेस्टली, जब हम किसी भी फिल्म में इतना मेहनत करते हैं ना, हम खुद इतना क्रिटिकल हो जाते हैं, बिकॉज एज एक्टर्स एनीथिंग इज नेवर परफेक्ट फॉर अस। हमेशा लगता है कि ये ऐसा किया होता तो मुझे लगता है जो हमारी जो कोर टीम है, एवरीबडी इंक्लूड संजय जी एवरीवन, अगर हमें खुद लगे कि ओके यू नो वी आर सेटिस्फाइड विच वी आर गेटिंग द बज, एंड ऑफ कोर्स ऑडियंसिस का एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। बाला साहब चाहते हैं कि जन्मदिन के ऊपर जो मणिकर्णिका की एक्ट्रेस है कंगना, उन्होंने भी एक वीडियो डाला और अपनी शुभेच्छा दी। देखिए, सभी को ठाकरे का सहारा लेना पड़ता है इस देश में। इतने साल तक कोई ये जन्मदिन की या मुबारकबाद या जो है श्रद्धांजलि नहीं दी है, लेकिन मैं मानता हूँ ये अच्छा प्रमोशनल एक्टिविटीज कंगना जी ने की है, मैं स्वागत करता हूँ। तो आपको ये लगता है कि उन्होंने ये जो अपनी फिल्म की मनी करने का ही ये उनका आगे का प्रयास है? करने तो बाला साहब ने सबको सहारा दिया है, ठाकरे जी ने सबको सपोर्ट किया है जी, और जिन्हें तो डरने की कोई बात नहीं। जी, 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 जी ने फिल्म देखी है, उनका क्या रिस्पॉन्स? अब आ जाएंगे, उनसे बात करिए, अभी आ जाएंगे। किसको? माला सीट नहीं है, मुझे ही सीट नहीं है, हम लोग सब बाहर ही बैठे हैं। ठीक है, अभिजीत पांसे फिल्म के डायरेक्टर, मैंने उनको अपॉइंट किया है, उससे पहले कहा कि उनको पूछ, अगर उसने कहा है सीट की बात, तो मैंने एक सबसे बड़े फिल्म के लिए उनको चुना है, सबसे बड़े फिल्म के लिए मैंने उनको चुना है, ये मेरी चॉइस है, तो ये कोई बात नहीं है। सर, अभी कोई नाराजगी नहीं? कौन सी नाराज? पांसे सर क्यों नाराज नहीं? सर, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो नाराज, खबरें जिसने फैलाई उनको पूछिए, पांसे लंच को डिनर को गए, वापस आ जाएंगे। मी
हिंदी वर्षन पाहिलं फारच सुरेख आहे, भाषा तर सुरेख आहे, पण मी 1970 पासून ते 92 पर्यंत ह्या सगळ्या घटनांचा एक साक्षीदार आहे. आणि बाळासाहेबांच्या बरोबर अनेक वेळेस मी भेटलेलो आहे, बोललेलो आहे, एकत्रित काम केलेलं आहे. त्याच्यामधले जे सगळे इन्सिडेंट्स आहेत कॉम्रेड देसाईंच्या पासून, मला तर आश्चर्य वाटलं की कॉम्रेड देसाईंची जी त्यामध्ये जी घटना जी दाखवलेली आहे त्याच्याविषयी मला थोडी शंका वाटत होती. पण हे सगळे जे पुढचा जेव्हा सगळा मी भाग बघितला, हा सिनेमा संपूर्ण घडलेल्या घटनांच्यावर आहे आणि मला वाटतं की ती हिस्ट्री श्रीयुत राऊत यांनी दाखवलेली आहे. मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो की बाळासाहेबांच्यावर ज्या ज्या वेळेस हल्ले झाले, बाळासाहेबांनी ज्या ज्या वेळेस महाराष्ट्र शासनाची त्यांचे वादविवादी झाले, पण सगळ्यात महत्त्वाचं वसंतराव नाईक आणि बाळासाहेब यांच्याविषयीची जी ते कंपोजिशन आहे ते तर अतिशय सुरेख आहे. कारण ते मला जवळजवळ 3.5 तासामध्ये असं एकदाही कंटाळा आला नाही की ते संपूर्ण हिस्ट्री ती वसंत आमच्या यशवंतरावजी चव्हाणांच्यापासून ते वसंतराव नायकांच्यापर्यंत, पुढचं त्यांनी काही घेतलं नाही, पण मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्याच्यानंतरचा सगळा भाग आता त्यांनी नाही आहे त्यात, पण त्याच्या पाठीमागचा जो सगळा भाग आहे तो एक हिस्ट्रीचा भाग आहे. मला वाटतं की हा सिनेमा केवळ बाळासाहेबांच्याविषयी सांगणारा नाही आहे, पण त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राचा इतिहास सांगणारी आहे, त्यात मोरारजीभाईंचा इतिहास सांगणारी आहे. आणि सुरुवातीपासून शिवसेना कशी तयार झाली त्या फ्री प्रेसपासूनचा देखील इतिहास त्यामध्ये सांगितलेला आहे. मी कौतुक करतो की हे धाडसाचं काम आहे की संजय राऊत यांनी एक पत्रकार म्हणून ज्यांनी ते केलेलं आहे आणि ते प्रोड्युसर आहेत, मी किती धन्यवाद देऊ त्यांना याविषयी. ठीक आहे, माणसाचं शेवटी हिंदू मुसलमान वाद विवाद हे सगळे होत राहतील, पण हा सगळा हा चित्रपट म्हणजे एक हिस्ट्री आहे आणि त्याची त्यांनी नवाज सिद्दी तर फारच चांगले ॲक्टिंग केलेली आहे. मला तर त्याच्या बाळासाहेबच आहेत की काय असं वाटत होतं. त्याची जी स्टाईल आहे शाल करण्याची आणि विशेषतः चिरूट आणि बिअर पिण्याची स्टाईल आहे, फक्त एकच मी त्यामध्ये करेक्ट करायचं आता मी म्हणतो, बाळासाहेब हे टीनमधून प्रथम ते बिअर प्या पुसायचे टीन आणि त्याच्यातून प्यायचे, बरोबर आहे ना? 1970 टीन नव्हते ना. हां नाही, पण त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये नाही. देखिए बाळासाहेब काही बहुत अच्छा, संजय राऊत जी को मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि एक पत्रकार, उन्होंने जो पत्रकारों का जो अधिकार है जो हक है वो उन्होंने निभाया और इस देश को उन्होंने बताया कि बाळासाहेब केवल हिंदुत्व का ही काम नहीं करते थे, सर्वधर्म का भी काम वो करते थे. और इसलिए इसका बहुत महत्व है. जो जो इसमें इंसिडेंसेस बताए हैं मैं उसका एक साक्षीदार हूँ 90 तक का. तो बाळासाहेब और उनका विचार जो इंसिडेंसेस बताए हैं, मैं संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने असलियत पे हिस्ट्री पे ये सिनेमा बनाया है. उनके लिए उनको धन्यवाद. नवानी बहुत अच्छा काम किया है. इसमें जो जो भी एक्टर्स काम किया है, चाहे यशवंतराव जी का काम किया हो, चाहे वसंतराव नाईक का काम किया हो, नवाजुद्दीन तो बाळासाहेब का काम इतना अच्छा किया है उन्होंने कि पता नहीं चलता था कि यहाँ बाळासाहेब है या नवाजुद्दीन है. तो इसके लिए उनको भी बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर.
सर यहाँ पे यहाँ पे होल्ड मैम प्लीज थैंक यू मैम डन थैंक यू।